मैंने आपके लिए कढ़ी बनाई है। ये सारे प्रोडक्ट्स प्राइस नॉमिनल है और ये इस तरह से हैं, सिलिकॉन के ब्रिकल्स बने हुए हैं, बहुत ही स्मूथ लगता है। देखो आपको ये मूव न्यूड मॉव कलर में है। नेक्स्ट है ये क्रिम्सन सिल्क बॉटल, बहुत ही क्यूट सी है। इसकी एसेंशियल ऑयल्स भी हैं जो आपकी स्किन को नरिश करने का काम भी करते हैं, तो आप डेफिनेटली अलग अलग अपने मूड के अकॉर्डिंग भी ट्राई। वेलकम टू द चैनल कैच लाइफ विद अ बॉब। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। क्या आज को स्कूल में फ्रेंच फ्राइज लेके जाने थे तो मैं वही बना रही हूँ। इसकी प्रिपरेशन मैंने रात को ही करके रख दी थी। क्याश के स्कूल जाने के बाद मैंने फटाफट से अपने काम वगैरह निपटाए और यहाँ मैं बना रही हूँ क्याश के लिए कड़ी, बिकॉज उसने मुझे कहा था कड़ी चावल खाने हैं, सो आई एम प्रिपेयरिंग कड़ी फॉर हिम। क्याश को कड़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। चावल मैंने ऑलरेडी यहाँ बना के रख दिए हैं, मैं नहीं खाऊंगी चावल, तो इसलिए मैंने थोड़े से क्याश के लिए चावल बना के रखे हैं। आज मैं अपने नायका प्रोडक्ट्स भी आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मैंने मंगाए हैं, एंड इट्स द स्कूल टाइम सो आई एम गोइंग टू टेक हिम। आपने मुझे क्या कहा था कल क्या खाना है आपको? कपकेक नहीं, क्या बोला था खाने में? क्या बोला था खाने के लिए? कड़ी चावल। मैंने आपके लिए कड़ी बनाई है। हैप्पी? चलो, ये मेरे नायका के पार्सल्स हैं, एंड यू वोंट बिलीव ये वाला पार्सल मेरा, आई मीन 3 मंथ से ज़्यादा हो गए मुझे मंगाए हुए, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला मैं इसको ओपन भी करूँ। तो ये एज इट इज़ पड़ा हुआ, ये मैंने रिसेंटली मंगाया, तो फाइनली मैं इसके बहाने, मतलब मुझे ये ओपन करना है और दैट रीज़न मैं इसको भी ओपन कर रही हूँ। तो ये इतने मन से पड़ा हुआ था पहले, मतलब ये सब सामान असेंबल करना, इन सब में टाइम नहीं मिला, उसके बाद मेरी तबीयत ऐसी हो गई, तो ये एज इट इज़ ही रह गया। इसमें से क्या है मुझे याद भी नहीं आ रहा सामान इसमें मैंने क्या मंगाया था, तो अभी फाइनली इसको ओपन करती हूँ। तो ये मैंने अभी रिसेंटली मंगाया था, मुझे कुछ सामान चाहिए था तो बस वही मंगाया, तो फाइनली आज मैं इसको भी ओपन कर रही हूँ। तो ये मैंने छोटी सा मंगाया था, ये है या नेल पेंट जब हम निकालते हैं ना तो उसके लिए जो रिमूवर यूज़ करती हूँ वो मैं लिक्विड वाला यूज़ नहीं करती हूँ, ये वाइप्स यूज़ करती हूँ। मैंने आपको काफ़ी पहले कुछ वीडियोस में शायद फ्रीक्वेंटली भी दिखाया होगा, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं, नेल पेंट रिमूवर, अलग अलग तरह के वाइप्स आते हैं। पहले मैं कारा कंपनी के यूज़ करती थी, वो भी बहुत अच्छे होते थे, और ये इनसाइड के हैं, इसमें 30 वाइप्स आते हैं। और इसमें ये मैंने मंगाया इस बार लेमन वाला, इससे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी यूज़ किया हुआ, फ्लेवर से फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट एक फ्रेग्रेंस होती है। तो ये वाइप्स इसलिए मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज इनमें ना अल्कोहल नहीं होता, तो जो नेल्स चिप हो जाते हैं ना इनकी प्रॉब्लम नहीं होती है, ऑल दो न्यूट्रिशन भी इसमें काफ़ी हेल्प करता है, बट येस दिस इज़ फार बेटर देन द लिक्विड रिमूवर जो होता है, नेल पेंट रिमूवर। सो आई एम यूजिंग दिस सिंस वेरी लॉन्ग, तो दिस इज़ द नेल रिमूवर वाइप्स फ्रॉम इनसाइड कंपनी दिस इज़, एंड एक मैंने ये मंगाया है सिंदूर जो हम यूज़ करते हैं ना, वो मैं वैसे तो बहुत सारी कंपनीज के ट्राई कर चुकी हूँ, मतलब मैं कलर बार का भी लगाती हूँ, कलर बार का तो मेरे पास अभी भी है, कलर बार है, लैक्मे का भी यूज़ किया मैंने, और मैंने कलर एसेंस का भी यूज़ किया है, तो और फेसेस कैनेडा, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स के मैंने यूज़ किए हैं सिंदूर। तो इस बार मैंने मंगाया है जस्ट हर्ब्स का सिंदूर, ये जो है ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट इन द सेंस इसमें कोई सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स एडेड नहीं है, तो इसलिए मैंने ये मंगाया इस बार। तो देखते हैं ये कैसा निकलेगा, मैं इसके रिव्यूज़ आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी अगर आप में से किसी को परचेज़ करना हो। तो ये इसमें जो ये आया है ये सैफ्रन सैंडलवुड के कॉम्बिनेशन में है, स्वच्छ प्रूफ है और हाईली पिगमेंटेड है। देखो जब नॉर्मल सीजन में तो इट्स ओके आप यूज कर सकते हो, बट जब रेनी सीजन होता है या फिर जब समर होता है ना तो क्या होता है, मैंने एक दो स्टार्टिंग में जो यूज किए थे वो ड्रिप कर जाते थे गर्मी में, पता ही नहीं चलता था। तो ये इसीलिए मैं हमेशा स्मच प्रूफ वाले मंगाती हूँ और बेटर है, मैंने हमेशा अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए। अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो कलर बार का, इट्स ऑल्सो वेरी गुड, कभी भी स्मच नहीं होता है, इट्स रियली रियली नाइस। तो इस बार मैंने सोचा चलो ये बार यूज़ करते हैं, ये जस्ट हर्ब्स का, इसकी लिपस्टिक्स भी हैं, तो ये मैंने मंगाया है। इसमें भी दो कलर आते हैं, एक रेड होता है एक मरून होता है, तो मैंने मंगाया है रूबी रेड, कोड नंबर 01 रूबी रेड इसका कोड है, और मैं हमेशा रेड कलर ही यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसका भी यही मंगाया। 5 ml इसकी क्वांटिटी है और 225 rupees इसका प्राइस है, प्राइस नॉमिनल है, और ये इस तरह से है। तो ये मैंने मंगाया है, इसका वॉन्ड चेक कर लेते हैं। ओके, वॉन्ड थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब जैसे होना चाहिए,
नॉर्मल है ये वॉन्ड और पैकेजिंग नॉर्मल है। लेट्स सी, इसका मैं रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूंगी कैसा है। तो ये दोनों प्रोडक्ट तो मैंने अभी मंगाए हैं, रेस्ट ये वाला बैग चेक कर लेते हैं। मुझे इसमें याद नहीं है मैंने क्या क्या मंगाया हुआ है। ओके, तो ये है ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने पहले मंगाए थे, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फर्स्ट है ये है नायका नेचुरल्स का मसाजर है। मैंने इस बार मसाजर मंगाया था, ये स्कैल्प मसाजर है। स्कैल्प मसाजर इन द सेंस कि आप इसको जब शैम्पू वगैरह करते हो ना अपने हेड पे तब यूज़ कर सकते हो। कलर बहुत प्रिटी आया है, ये देखो, तो आई होप आपको दिख रहा होगा कैमरा में। तो ये बहुत ही प्रिटी सा कलर आया है और यहाँ से ना बिल्कुल सॉफ्ट होता है, सिलिकॉन का है ये, बहुत अच्छा। देखो एक चीज़ और बताते हैं आपको, जब भी आप हेड मसाजर्स मंगाओ ना तो प्लीज़ अच्छी कंपनी का मंगाना, बिकॉज इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखो जो नॉर्मल आप लेते हो ना वो प्लास्टिक का आता है, ये भी प्लास्टिक के होते हैं जो ब्रिसल्स है, तो वो स्कैल्प के ऊपर लगते हैं, दर्द होता है और वो सही भी नहीं होता आपके स्कैल्प के लिए। तो ये सिलिकॉन बेस्ड है, जब शैम्पू करते हो तो आप इससे मसाज कर सकते हो अपने हेड पे, इससे फॉलिकल्स भी ओपन हो जाते हैं और अदरवाइज इससे ऑयल वगैरह पे भी मसाज कर सकते हो, दोनों के लिए वर्क करता है ये। पीछे से यहाँ पर एक हैंडल बना होता है, यहाँ पर अपना हैंड ग्रिप कर सकते हो इस तरह से, और आगे से इसमें सिलिकॉन के ब्रिसल्स बने हुए हैं। तो इट्स वेरी गुड, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उससे बहुत अच्छी क्वालिटी है। जेन्युइनली स्पाइक्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, सॉफ्ट है बिकॉज सिलिकॉन के हैं, तो इट्स क्वाइट सेफ। इसको आप यूज़ कर सकते हो कंडीशनिंग के लिए, ऑयलिंग के लिए, शैम्पू के लिए, इसमें इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने ये दो प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, एक है न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन है, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब मैं इसको बहुत ईयर्स यूज़ कर रही हूँ। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है अपने वीडियोस में, तो इट्स रियली गुड। जब अभी तो मौसम ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तब भी ये बिल्कुल स्वेट नहीं करती है, एब्सोल्युटली गुड सारी स्किन टाइप्स के लिए, बहुत अच्छी है। SPF 50 प्लस के साथ आती है और इसमें साइजेस भी आते हैं, तो मैं बड़ा साइज मंगाती हूँ बिकॉज मेरा ये लंबा चल जाता है। नेक्स्ट ये भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट है, स्लीक्स का ये हेयर सीरम यूज़ करती हूँ मैं। ये विटामिन रिच होता है और आपके जो हेयर होते हैं उनमें ग्लॉस देता है, प्लस टैंगलिंग नहीं करता है, तो डीटैंगल करने में बहुत इजी है। तो ये भी दो साइजेस में आता है, तो मैं बड़ा वाला ही मंगाती हूँ उसका, तो ये मैंने मंगाया है। ये भी मेरा ऑल टाइम है जो मेरे पास हमेशा होता है, अब ये ख़त्म भी हो गया तो आज मैं पैक खोल रही हूँ, तो इसको मैं यूसेज के लिए बाहर भी निकाल लूँगी। तो ये चीज़ें आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने मंगाया है, ओके तो मैं भूल भी गई थी, एक मैंने फेस वॉश मंगाया है नायका का, हल्दी एंड चंदन फेस वॉश है। नायका के मैंने काफ़ी सारे फेस वॉशेस ट्राई किए हुए हैं, सब बहुत अच्छे होते हैं। ये मैंने मंगाया था हल्दी और चंदन का, और ये जो इंग्रेडिएंट है बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत जेंटली वॉश करता है फेस को, तो एक ही मैंने फेस वॉश मंगाया है। ओके, लैक्मे का मैंने आईलाइनर भी मंगाया, इस बार मैंने आइकॉनिक लैक्मे आइकॉनिक का लाइनर मंगाया है, पेन वाला जो होता है। तो लैक्मे के मैंने लाइनर्स पहले भी यूज़ किए हैं, ऑल दो मैं नायका के ज़्यादा प्रिफर करती हूँ लाइनर्स, बट ये जो लाइनर है ये पेन वाला लाइनर है। तो ये लैक्मे का लाइनर पेन है, इसको पेन की तरह से यूज़ करते हैं, और जैसे आप इसमें ना पेन का फ़ायदा ये होता है कि लाइनर लगाना बहुत इजी हो जाता है, मतलब जैसे हम ब्रश से भी लगाते हैं, मुझे तो हैबिट है, तो जिनको हैबिट है वो ब्रश से भी आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हो, आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो लाइनर लगाना, तो आप पेन से ट्राई करना, बहुत ईजी होता है पेन से लाइनर लगाना, बहुत आराम से लग जाता है, और जैसे ही आप शेप देना चाहते तो वो भी बहुत आराम से लग बन जाती है, बहुत ही स्मूथ लगता है। देखो आपको वाइड लगाना है, ब्रॉड लगाना है, पतला लगाना है, आप आराम से इससे लगा सकते हो, तो ये लैक्मे का पेन है। नेक्स्ट मैंने कुछ लिपस्टिक्स मंगाई थी, अगेन मैंने ये लिपस्टिक्स लैक्मे की मंगाई हैं और ये भी लैक्मे की ही है। फर्स्ट लिपस्टिक इज दिस, ये है न्यूड कुशन, इसका कोड है न्यूड कुशन, ये मोव न्यूड मोव कलर में है। ओके, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग एक लिप, जो मेरे पास जितनी भी लिप शेड्स है उनका एक स्वॉच वीडियो बनाने के लिए, एंड If you guys also want, so do let me know. I'll make a swatch video. बहुत सारे lip shades हैं मेरे पास, तो I can show. Next है ये crimson silk. This shade is crimson silk. Pink में ही है लेकिन dark एक tone है, बहुत अच्छा शेड है ये भी, एंड दिस इज ऑल्सो थर्ड लिपस्टिक। ये न्यू ट्विस्ट है, मैं इनके swatches आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगी, ठीक है, तो आप वहां से देख लेना। ओके, नेक्स्ट मैंने मंगाया है फाइनली
कोइंसिडेंटली आज ही मेरा डीओ भी खत्म हुआ है, तो ये अगेन मैं यूज करने के लिए निकालूंगी। ये परफ्यूम मंगाया मैंने एंगेज का, एंगेज के परफ्यूम्स मैंने काफी सारे फ्रेग्रेंसेस ट्राई किए हुए, बहुत अच्छे होते हैं। और ये एंगेज विमेन पिंक कलर का, इसका कोड है यांग। और देखो इसके साथ एक टेस्टर भी आया है साथ में, तो एक टेस्टर भी फ्री आया है इसका। बॉटल बहुत ही क्यूट सी है इसकी, एंगेज यांग इसका कोड है। सूदिंग सी फ्रेग्रेंस है, मुझे बहुत हार्श या बिल्कुल डल फ्रेग्रेंसेस अच्छी नहीं लगती, तो ये बहुत सूदिंग सी फ्रेग्रेंस है, काफी अच्छी है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है। ऑल राइट, दिस इज द लास्ट थिंग, बट ये भी बहुत सारे परफ्यूम्स एंड डीओज हैं जो मैंने मंगाए थे, आपको दिखाती हूँ मैं। ये पहले एक ये दिखा देती हूँ, ये है नायका का फेशियल ऑयल। मैंने फेशियल ऑयल पहले भी यूज़ किया, मैं आपसे शेयर भी किए हुए हैं, और ये भी एक नायका का फेशियल ऑयल है। इस बार मैंने मंगाया है 24 कैरेट गोल्ड फेशियल ऑयल, पैकेजिंग भी गोल्डन गोल्डन दी हुई है। ओके दैट्स नाइस, नथिंग न्यू, मैंने पहले यूज किए हुए हैं, जस्ट मैंने इस बार अलग तरीके का मंगाया है। मतलब इस बार मैंने 24 कैरेट गोल्ड वाला मंगाया है, और इससे पहले मैं अलग अलग यूज कर चुकी हूँ। तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ये बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। आप इसको नाइट में अप्लाई करो, या फिर जैसे आप मेकअप करो ना उससे पहले अप्लाई करो, इट रियली सूथ आउट योर स्किन। स्पेशली अगर आप नाइट में अप्लाई करते हो ना, तो ये स्किन को आपको मॉर्निंग में खुद ही फील होगा कि आपकी स्किन एक तो सॉफ्ट फील होती है और बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होती है, और एक तरह से रिपेयरिंग का काम भी करता है। तो ये बहुत ही ओवरऑल बहुत अच्छा है ये आप जरूर ट्राई कर सकते हो। जितने भी नायका के फेशियल ऑयल्स है, ये उनमें सबसे ज्यादा कॉस्ट का होता है, आई मीन इसकी कॉस्ट है 1049 रुपीज, और बाकी जो इसके फेशियल ऑयल है उनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली लेसर है, कोई 700 का है, कोई 800 का है, लाइक वाइज। तो ये है 1049 रुपीज का, बट हाँ ये बहुत अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है उनमें से, इसलिए मैंने इस बार ये वाला मंगाया है। इसमें बहुत सारे ऑयल्स का ही कॉम्बिनेशन है, कोकोनट ऑयल है, आमंड ऑयल है, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स भी हैं जो आपकी स्किन को नरिश करने का काम भी करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप नाइट में इसको अप्लाई करोगे तो ओवरनाइट आपकी स्किन को रिपेयर भी करेगा। सो बहुत ही अच्छा है ये, मैं इसका रिव्यू भी एक बार आपको शॉर्ट वीडियो में दे दूंगी। ये बेला वीटा का परफ्यूम सेट है, इसमें 4 परफ्यूम्स आते हैं, और ये वुमेन के लिए है, ऐसा ही मेन के लिए भी आता है, ऐसा इस सेट आता है कम्प्लीट। तो लेट्स ओपन दिस। सो दिस इज अ पैकेजिंग, पैकेजिंग तो अच्छी आई है, ठीक है। तो दिस इज द पैकेजिंग, इसमें 4 पैक्स है 20-20 ml के, तो टोटल 80 ml है। तो ये इस तरह से पैकेजिंग में आया है, दिखने में बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है बेला वीटा, तो ये यहाँ से ओपन हो जाता है ऐसे। तो आप किसी को गिफ्ट करना चाहो ना, तो ये गिफ्टिंग के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये देखो छोटे छोटे परफ्यूम्स हैं, लेकिन अलग अलग फ्रेग्रेंसेस के हैं, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये है रोज फ्रेग्रेंस, और ये है ग्लैम वुमन, नेक्स्ट है डेट वुमन, और इसके बाद है सेनोरेटम वुमन। तो ये 4 अलग अलग फ्रेग्रेंसेस हैं, काफी सूदिंग है, और छोटे छोटे से है ना, इतने छोटे पैक से। देखो ये आप कहीं भी पर्स में रख सकते हो, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी लेके जा सकते हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं। ओके तो मैं ट्राई करूंगी, मैंने ये ट्राई नहीं किया हुआ पहले, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही मंगाया, ट्राई करूंगी तो आपको इसकी फ्रेग्रेंसेस भी बता दूंगी। ऑल्दो देखो इसमें 4 अलग अलग फ्रेग्रेंसेस हैं, तो आप डेफिनेटली अलग अलग अपने मूड के अकॉर्डिंग भी ट्राई कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, छोटा सा पैक है, क्यूट सा, लेकिन अलग अलग फ्रेग्रेंसेस के साथ है, पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, तो मुझे ये दिखने में बहुत अच्छा लगा। रेस्ट मैं इसको यूज करूंगी तभी इसके रिव्यूज दे पाऊंगी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। बाकी सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए, तो आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हो तो कर लेना। और ये जो है ये तो मैं बोलूंगी मस्ट हैव है, ये आप जरूर ट्राई कर सकते हो, मतलब ये बहुत अच्छा सनब्लॉक है, और इकोनॉमिक भी है, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आता। अभी कितने का है ये, 780 रुपीज का है। सो 780 रुपीज में आपको 80 ग्राम की क्वांटिटी मिल जाती है, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है रखने के लिए। एंड अनदर इज दिस, तो रेस्ट आपकी चॉइस है, आप जो लेना चाहो। सो दिस वॉज माई नायका ऑर्डर पैक जो मैंने मंगाया था, एंड आई शेयर विद यू ऑल्सो। सो दिस वॉज टूडेज वीडियो, आई होप आपको आज के प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे। इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।